आखिरकार 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। 16 जुलाई को महाराष्ट्र बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार कुल 90% 66% बच्चे पास हुए हैं। महाराष्ट्र बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार 12वीं कक्षा की परीक्षा में इस साल कुल 8,43,552 लड़के और 6,61,325 लड़कियां और 6,657 दिव्यांग छात्र शामिल है। शहर के सकरदरा परिसर थाना हद में रहने वाले अंकुश खाड़े और उनके परिवार के लोगों को मामूली कारण को लेकर पूर्व नगर सेवक अनिल वाघमारे द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। रेलवे का निजीकरण बंद करो, इस मांग को लेकर पूरे भारतवर्ष में 2 दिन तक सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन की ओर से शहर के अजनी रेलवे स्टेशन पर भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। इस मौके पर C2 के कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने वाले सचिन पायलट राजस्थान के राजनीतिक मझधार में फंस गए हैं। न तो कांग्रेस में घर वापसी कर पा रहे और न ही बीजेपी में शामिल होने का साहस दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर ओम माथुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया खुले तौर पर पायलट को पार्टी में आने का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन वसुंधरा गुट राजी नहीं है। वहीं पायलट के कुछ समर्थक विधायक भी बीजेपी का दामन थामने पर रजामंद नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि पायलट के बीजेपी में एंट्री का दरवाजा किसने बंद कर दिए है। पायलट कैंप में ऐसे विधायक भी शामिल है जिनकी उम्र 70 पार हो गई है। इनमें हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह और मास्टर भवनलाल शर्मा शामिल है जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। इन नेताओं का मानना है कि जिंदगी भर कांग्रेस में रहने के बाद अब आखिरी चुनाव में बीजेपी में जाकर क्या करेंगे। इसके अलावा इनको अपने बेटे के भविष्य की चिंता भी है। बीजेपी में शायद उनके बेटों की कदर नहीं हो और उनकी राजनीतिक विरासत आगे नहीं बढ़ पाए। इसके अलावा बीजेपी में शामिल होने पर इन सभी विधायकों की सदस्यता भी खत्म हो सकती है, जो रुकावट की एक बड़ी वजह बन रही है। भारत ने पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस बिना शर्त अनुमति देने के लिए कहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव ने सजा की समीक्षा याचिका दायर करने से इनकार कर दिया था। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के दावे की पोल खोल रख दी है। बिहार के गोपालगंज के 70 घाट इलाके में जिस पुल का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, महज 29 दिन पहले ही वो बाढ़ के पानी में बह गया। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। यह पुल 8 साल से बंद रहा था और इसे बनाने में 2,065 करोड़ की लागत आई है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में 2,145 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद गुरुवार को संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,57,914 हो गए हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के अनुसार अब देश में COVID-19 के 1,78,737 मरीज ठीक हो चुके हैं। कानपुर के बिकरू कांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी पुलिस पर अपराधियों द्वारा किए गए अब तक के सबसे बड़े हमले से जुड़े ऑडियो और वीडियो सामने आ रहे हैं। गुरुवार को अब इस वारदात से जुड़े 3 और ऑडियो सामने आए। इनमें साफ पता चल रहा है कि विकास दुबे ने अपने सहयोगियों और साथी के पहले ही सतर्क कर दिया था। साथ ही सभी को फोन कर घर की छतों पर मुस्तैद रहने को कहा था। भारत में कोरोना वायरस लगातार अपनी पेट बढ़ाता जा रहा है। हर दिन मामलों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। देश में कल संक्रमितों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 9,68,876 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 24,915 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,12,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 32,695 नए मामले सामने आए हैं और 606 मौत हुई है।